बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पिछले एक महीने से सूबे के सियासी गलियारों में जो चर्चा जोरों पर थी, कल वो अंजाम तक पहुंचने जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में कमल की मजबूत कली छिटक कर कांग्रेस के हिस्से में जा रही है। आपके पायलट ने आज बकायदा मीडिया के सामने इस खबर पर मुहर लगाई। जी हाँ, शिव विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कल हाथ के साथ जाने वाले हैं स्वाभिमान रैली। बीजेपी छोड़ने का ऐलान करने वाले मानवेंद्र कल राहुल गांधी की मौजूदगी में धर्मपत्नी चित्रा सिंह के साथ कांग्रेस का दामन थामे। मानवेंद्र सिंह जी कल कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। चिपकाए हुए नेताओं को प्रलोभन देकर उनके साथ जोड़ रहे हैं। हम लोग सहर्ष मानवेंद्र सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं पार्टी में। उनके पिताजी ने इस भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए। ये सियासत है साहब, और सियासत की सबसे बड़ी खूबी है यही कि यहाँ बेवजह कुछ नहीं होता। तो क्या मान लिया जाए कि मानवेंद्र सिंह शर्तों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे? शर्त अगर सीटों पर टिकी है तो हाथ के कर्णधार राहुल गांधी को उस दावे का क्या होगा जिसमें उन्होंने पैराशूटी उम्मीदवारों के तार काटने का दम भरा था? और क्या मानवजीत सिंह को कुनबे में शामिल कर बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह की भरपाई कर ली है? जी हां, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नरुका जी, कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत जी, और पाली के रणकपुर से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता मदन सिंह राठौर, और साथ ही बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं सांखला साहब, गजेंद्र सिंह सांखला जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले अजीत जी, आपसे ही सवाल रहेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कांग्रेस का दामन थामा है मानवेंद्र सिंह ने? देखिए सीता जी, कहीं भी कोई आदमी जब घुटन महसूस करता है, अपमान महसूस करता है, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारवान और बहुत ही गुणी पार्टी मानती है, जिस तरह से पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह जी का जिस तरीके से, जिस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को स्थापित कर लिया, उसके बाद में जो अपमान किया, और अपमान, ये राजस्थान की धरती है, वीरों की धरती है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कभी कोई लाभ लोभ और लालच में किसी कोई निर्णय नहीं लिए जाते। स्वाभिमान के लिए, इतिहास गवाह है कि राजस्थान में स्वाभिमान के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो ये तो छोटी सी बात है, जब इस तरह सम्मान का नहीं मिला स्वाभिमान के लिए, जान बिल्कुल निछावर कर दी जाती है, और यहाँ पर पार्टी में सम्मान ना मिलना भी एक बात सामने आ रही थी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत है। मंत्री जी, अहम सवाल यही रहेगा कि आखिर क्या वजह थी? क्या वाकई में बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा था मानवेंद्र सिंह को, यही वजह है उनकी कांग्रेस के साथ जाने की? भारतीय जनता पार्टी आज देश में, उसकी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी सदस्यता जो है 11 करोड़ है। अब भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार है, अगर मान और सम्मान किसी का नहीं मिलता तो इतना बड़ा परिवार नहीं बनता। और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अगर देखें और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं करती सदस्यता के रूप में। तो ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी में मान और सम्मान नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, हमारे निर्णय जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक वे में होते हैं, और कांग्रेस में जो निर्णय होते हैं वो हमेशा एक परिवार, गांधी परिवार, वो निर्णय लेता है। अभी आज हाल में देखिए कि सचिन जी ने निर्णय लिया कि हमारे जो टिकट वगैरह के जो फाइनल जो करेंगे और जो अलॉट करेंगे वो उन्होंने मानवेंद्र के जाने के बाद बीजेपी तो यही कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस समय हिंदुस्तान का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, अपने विवेक से निर्णय करता है। किसी एक व्यक्ति के इधर उधर हो जाने से कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जब का अपन इस बात को जानते हैं कि हर व्यक्ति जागरूक है, समझदार है, जनहित के निर्णय लेता है, किसने विकास का काम किया, किसने जन सेवा की, उसको ध्यान में रख करके काम करता है। एक व्यक्ति के पीछे कोई समाज चलता नहीं है,
समाज बहुत बुद्धिमान है, समझदार समाज है, और प्रत्येक समाज 36 कौम भी बहुत विवेक से फैसला करती है। इसलिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि पूरा समाज मेरी जेब में है तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी गलतफहमी किसी को हो नहीं सकती। और अब कोई गलतफहमी में जीना चाहे तो जिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस लार टपकाती है, इंतजार करती है कि कहां कौन किसके विरोध पैदा किया जा सकता है, असंतोष कहां पैदा किया जा सकता है जिससे कि हमको कुछ लाभ मिल जाए, इसमें वो लगे रहते हैं, इसके लिए वो ललायत रहते हैं, और उनका खुद का अपना कोई वजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस का खुद का कोई वजूद नहीं है, जो टूटने के लिए तैयार है, जो अलग होने के लिए तैयार है उसके साथ कांग्रेस चली जाती है। गजेंद्र जी, मदन जी ने बड़ा आरोप लगाया ये कांग्रेस पर। जी श्वेता जी, ऐसा है श्वेता जी, मानवेंद्र सिंह जी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से एक बहुत बड़ा मैसेज मारवाड़ के लोगों के बीच में जाएगा। आज मानवेंद्र सिंह जी और इनके परिवार के, इनके फादर साहब सम्मानीय जसवंत सिंह जी का इस मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, आपका नागौर, आपका बाड़मेर, आपका जोधपुर, आपका पाली, सिरोही, इन तमाम इलाकों के अंदर लोगों के साथ बहुत अपनत्व की भावना है। उन लोगों के दुख दर्द के अंदर, तकलीफ के अंदर आप लोग हमेशा साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले जो चुनाव के बाद में अहंकार के मूड में आई हुई है, इसके अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, और उनका एक ही कहना है कि वो हम कांग्रेस को नेस्तनाबूद करेंगे, हम कांग्रेस विहीन देश को बनाना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, और अहंकार के अंदर जो लोग बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग पार्टियों में काम कर रहे हैं, वो चाहते क्या है पार्टी से? मान और सम्मान चाहते हैं। हमेशा इंसान को कहते हैं शरीर पर गहरी चोट भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन खुददारी पर खरोंच भी बर्दाश्त नहीं है। आम आदमी जब व्यक्ति से पार्टी से जुड़ता है तो वो पार्टी से मान और सम्मान चाहता है। जब इतने बड़े परिवार के धनी हैं और इस परिवार का आम लोगों के साथ बहुत बड़ा, चलिए ठीक है, यानी कि आपका भी यही कहना है कि मान सम्मान यहाँ बीजेपी में मानवेंद्र सिंह को नहीं मिला और इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। सुरेंद्र सिंह नरूका जी, अहम सवाल ये उठता है कि जसवंत सिंह की बात कर लें, कद्दावर नेता, और उसमें भी बीजेपी की स्थापना में अहम उनका योगदान रहा है, उनके बेटे मानवेंद्र सिंह अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी भूल थी, अब तक साथ थे लेकिन अब भूल है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, मान और सम्मान की जो बात हुई, मानवेंद्र सिंह जी एक सेना से रिटायर्ड ऑफिसर थे, राजनीति के अंदर उनका किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं था। अगर राजनीति के अंदर जसवंत सिंह को और मानवेंद्र सिंह को अगर किसी ने पहचान दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर वो MLA बन के आए, और MLA बन के उन्होंने वहां के क्षेत्र का नेतृत्व किया, और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी के MLA के बिहाफ पे ही विधानसभा के अंदर मौजूद रहे। तो मान सम्मान की जहां तक बात चले तो मान सम्मान, मानवेंद्र सिंह को अगर मान सम्मान दिया राजनीतिक रूप में तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की, जैसे अभी PP चौधरी साहब ने कहा, हमारे 11 करोड़ कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में और लगभग 90 लाख कार्यकर्ता राजस्थान में मौजूद है। तो अगर कोई व्यक्तिगत राय स्वरूप अगर कांग्रेस का दामन थामता है, और कांग्रेस का दामन उस स्थिति में थामता है जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम पैराशूट किसी भी व्यक्ति को और ये भारी व्यक्ति को हम राजनीति के रूप में टिकट नहीं देंगे या उनको आगे बढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद में भी मानवेंद्र जी जाते हैं, तो ये उनका खुद का व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार है ये आपका कहना है। चलिए फर्स्ट राउंड हमारे बिग फाइट का खत्म हो चुका है, सबको वक्त मिल चुका है, और अब चलिए सवाल जवाब पर आ जाते हैं। अजीत सिंह जी, आखिर क्या शर्तें थी मानवेंद्र सिंह की जो मानी गई कांग्रेस द्वारा, और उसके बाद अब कल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं वो? नहीं, कोई ऐसी शर्तें नहीं है। पार्टी में जब आता है कोई आदमी तो अपने आप ही उसको उचित स्थान दिया जाता है, उचित जगह पर उसको बिठाया जाता है। पार्टी के संस्थापक सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार करके आज जसवंत सिंह जी, भैरव सिंह जी की बेइज्जती की गई इस पार्टी में, जसवंत सिंह जी की बेइज्जती की गई, लाल कृष्ण जी आडवाणी का क्या हाल है, मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल है, जसवंत सिंह की बात कर रहे हैं आप तो? अरे आप कह रहे बिना शर्त के कैसे? बिना शर्त के तो नहीं, बात तो कहीं अंदर से ही निकल कर आ रही है पार्टी से ही। नहीं, कोई शर्त नहीं। मेरे को जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लोकसभा की टिकट, ये शर्त, ऐसी कोई शर्त नहीं। पार्टी में आता है तो कोई आदमी उसी सीट से जिससे जसवंत सिंह जी आए थे, पार्टी में निर्दलीय लड़ा था उन्होंने, हालांकि हार गए। राजनीति में जब कोई आता है राजनीति करने के लिए आता है, मंदिर में टाली बजाने के लिए नहीं आता वो। तो राजनीति में जो आता है वो उसको राजनीतिक रूप से कोई ना कोई बात होती है, तो वो तो समय पे की जाती है, लेकिन शर्तें इस तरह की कोई मान्य नहीं है कि शर्त
फलानी शर्त मंत्री बनाओगे तो आऊंगा, ऐसी कोई शर्त नहीं होती, किसी शर्त के साथ नहीं आए मानवेंद्र, आप ये कहना चाह रहे हैं? वहां से चौधरी साहब आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि कहा यही जा रहा है और बड़ी बात है जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि पैराशूट उम्मीदवार उम्मीद छोड़ दें कि उन्हें टिकट मिलेगी, जो ग्राउंड में होगा कार्यकर्ता जो काम करेगा उसे ही टिकट मिलेगी, ऐसे में मानवेंद्र सिंह के लिए क्या लगता है कि ये नियम बदले जा सकते हैं? लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और हमारे में जो बहुत बड़ा एक मौलिक अंतर है वो ये है कि कांग्रेस जो है वो व्यक्ति को प्राथमिकता देती है और हमारे वहां पर पार्टी ऊपर है और बाद में व्यक्ति है और ये सबसे बड़ा फर्क है। और इससे ही अगर आप लेके चले जो अभी आप पूरा उन्होंने बताया कि मानवेंद्र सिंह जी को एमएलए भी बने, पार्टी ने टिकट दिया, मैं कहता हूँ जसवंत सिंह जी को भी पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया, वो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नंबर टू के व्यक्ति थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, चार पाई में और बहुत ही सम्मान में उनको सम्मान दिया गया। 11 करोड़ की पार्टी में करोड़ों लोग हैं जो बूथ लेवल पे भी हैं, हर स्टेज पे हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे जो मान सम्मान मैं सोचता हूँ वो मान सम्मान मिलना चाहिए, ये मान सम्मान की बात सोचना पार्टी का काम है, हमें हम निर्णय नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, कार्यकर्ता निर्णय नहीं कर सकते, ठीक है। ये बड़ी बात आपने कह दी कि बीजेपी में पार्टी पहले है व्यक्ति बाद में, कांग्रेस में व्यक्ति पहले है पार्टी बाद में। अजीत जी चौधरी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कुछ नहीं है, देश आजाद हुआ था तब से लेकर के आज तक हर जगह पार्टी बड़ी होती है, और ये तो ये कहने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ये आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पर पार्टी बड़ी नहीं होती। जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, एमएलए से जनता, जनता से एमएलए नहीं मिलता, एमएलए से मंत्री नहीं मिलता, मंत्री से मुख्यमंत्री नहीं मिलती, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नहीं मिलते, कहां पार्टी है? और पैराशूट उम्मीदवार के लिए क्या कहेंगे आप अजीत जी, बिल्कुल राहुल गांधी ने जो कह कर गए हैं, बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है कि भी पैराशूट की चोट पे वही करने वाले, पूरा उम्मीदवार पैराशूट से आएगा, उसको राहुल गांधी ने कहा है तो वो उस पर बिल्कुल अडिग रहेंगे। चलिए, यानी कि जो कह रहे तो फिर मानवेंद्र के एंट्री का क्या मतलब होगा? तो कौन कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अफवाह फैला रहे हैं, ये तो एमपी की टिकट होगी, इनकी मुख्यमंत्री की होगी, इनकी मंत्री की बात होगी। देखिए आप ही ने कहा अभी कि राजनीति में जो आएगा वो राजनीति, बिल्कुल राजनीति करने आएगा और 5 साल काम करेगा, उन्होंने कहा है तो करेगा। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पीपी चौधरी जी मान सम्मान की बात कर रहे, जब ये कह रहे हैं कि वो हम ये नहीं कह रहे उनको कुछ नहीं देंगे, तो ये तो उनका आप अपमान कर रहे हैं बुला कर करके, तो उनको तो देना चाहिए आपको। और एक बात, दूसरी बात ये जब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं पार्टी बड़ी है, और बीजेपी में हमारे राजनाथ जी के बाद में कौन अध्यक्ष बनेगा ये पता नहीं था, हमारे अमित शाह जी अध्यक्ष बने, अमित शाह जी के बाद में कौन अध्यक्ष बनेगा पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस में सोनिया जी के बाद में ये पता था कि राहुल गांधी बनेगा, लेकिन और राहुल के बाद में भी पता है कि उसी परिवार का बनेगा, तो एक बता दो ना, एक तड़ी पार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तड़ी पार को आपने अध्यक्ष बना रखा उसको हटाने के लिए किसको बना रहे हो आप, और प्रधानमंत्री जी के बाद में कौन प्रधानमंत्री शपथ ले रहा था इन मोदी जी के बाद में, बताओ ना फिर, या मुख्यमंत्री, या मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के बाद में कौन मुख्यमंत्री तय नहीं होता राजस्थान का, पहले से ये तय नहीं होता कि अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन ये बात सही की पीपी चौधरी जी ने कि कांग्रेस में परिवारवाद है, कांग्रेस में ये पता है कि इसके बाद में कौन अध्यक्ष आएगा, कांग्रेस को ये पता है कि राहुल जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद में भी आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं, आप मानवेंद्र सिंह जी को लेके आ रहे हैं दूसरी साइड में, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना कम घटाया है, बताओ जिस परिवार की बात कर रहे हो उनके परिवार के आप सदस्यों ने साधक दिए, कौन सा मान सम्मान की बात है, मानवेंद्र सिंह जी का कौन सा मान सम्मान है कांग्रेस लेके आ रही है, नाखून कटाया है, परिवारवाद की बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मदन राठौर जी का भी रुख कर लेते हैं, मदन जी ये बात कही जा रही है कि हम सीट के लिए नहीं और जो पैराशूट उम्मीदवार की बात कही जा रही थी उस पे कायम रहेंगे राहुल गांधी, ऐसे में मानवेंद्र बिना किसी शर्त के आएंगे, क्योंकि अजीत जी का तो यही कहना है कोई शर्त नहीं है, वो आना चाहते थे क्योंकि उन्हें उस पार्टी में सम्मान नहीं मिला और यहां से सम्मान उनको लाया जा रहा है। देखिए ये इनका दोहरा चरित्र है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनसे आप पूछिए ना कि सीताराम केसरी के साथ इन्होंने क्या किया था,
मुरारजी देसाई के साथ इन्होंने क्या किया था, किस प्रकार का इनका चरित्र है, ये अपने नेताओं के साथ क्या करते हैं, हमारी ओर देखते हैं, और ये जब कह रहे हैं कि वो मानवेंद्र सिंह जी आ जाएंगे तो उसके बाद में इनका वजूद बढ़ेगा, तो इनका खुद का वजूद तो है ही नहीं, इनके खुद के पास जनाधार तो है ही नहीं, ये तो लार टपका रहे हैं कि दूर जाएगा जनाधार किसके पास है किसके पास नहीं है, टूट करके आ जाए और उसकी ताकत जनता ने मानस बना रखा है, दो महीने बाद में पता चल जाएगा। मतलब ये आपका ऐसी स्थिति कांग्रेस की तो नहीं है कि वो इंतजार कर रहे हो कि एक एक करके आए दिग्गज और वो उसमें शामिल करें, यानी आपको लग रहा है कि कोई फायदा मिलेगा इनको? अजीत जी जिस तरह से ये बोल रहे हैं, मदन जी बोल रहे हैं, क्या कोई फायदा है कांग्रेस को? बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मानवेंद्र सिंह के जाने से। तो क्यों रो रहे हैं ये, इनके तो आंसू नदी बन के बह रहे, कभी कहते हैं कि ये तो बिक गए, कभी कहते हैं कि ये तो इनको तो टिकट दी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि इनके क्या तकलीफ है, इनके तकलीफ ये है कि इनको पता है कि जनता ने मानस बना लिया, एक महीने का टाइम दो महीने का टाइम है, अगर टाइम आज का हो तो आज इनको आगे फेंक दे। बिल्कुल मदन जी, आप कह रहे हैं कि ये परेशान है और कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ता, तो फिर छोड़ देनी चाहिए बात, लेकिन मनाने की कोशिश तो की गई थी, मनाने की कोशिश तो की गई थी। क्यों रो रहे हैं? हम अपना वजूद रखते हैं, हमने जनता की सेवा की है और जन सेवक बनकर के हमने काम किया है और उसके आधार पर हम सरकार में आएंगे। चलिए गजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज कोई भी पिछले को नहीं है, कोई जेपी जी श्वेता जी 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 बताइए जी श्वेता जी, मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परंपरा है कि जो नेता वयोवृद्ध हो गया या जिस नेता ने इस पार्टी को सींचा, पार्टी को बनाया, उन सभी को ले जाकर के हांसिए पर टंगाने का इनका रिवाज है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे भैरव सिंह शेखावत हो, जनाधार जी हो, चाहे आप यशवंत सिन्हा हो, जनाधार के तमाम लोग जो है परंपरा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ही आज डिबेट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है कि मानवेंद्र जी को आने से हमें मजबूती मिलेगी। इसका मतलब कांग्रेस पहले मजबूत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में 90 लाख कार्यकर्ता है, कांग्रेस चाहे पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, जब कोई आदमी जुड़ता है तो उसका फायदा तो बट नेचुरल मिलता है। किस तरह का फायदा जी जी, अब मानवेंद्र के जुड़ने हर तरह से एक रो एक मिलके 11 होते हैं श्वेता जी। और जब कोई इनको तो तकलीफ ये है कि ये हमारे वहाँ पड़े रहते हैं, लुंज पुंज खाट में पड़े रहते और इनके पिताजी भी खाट में पड़े पड़े सांस लेते रहते और ये हमारे आगे पीछे घूमता रहता, ये इनका तो मकसद यही है। और इन्होंने जिस तरह से पूरे राजस्थान में जो अपमान किया है, हर कौम का अपमान किया, 36 कौम का अपमान किया है, और उसका फल इनको भुगतना पड़ेगा, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, मदन जी ये घड़ा फूटेगा। मदन जी लाख आप लोग कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है, मानवेंद्र सिंह भी शख्सियत है, जसवंत सिंह ने बनाया है। मैं ये बात देखिए, मैं ये कहूं कि कोई ये समझे कि समाज मेरी जेब में है, ये गलतफहमी है, कोई समाज किसी की जेब में नहीं है, विवेकशील समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, सोच समझ करके फैसला लेता है। अरे ये तो समझदार समाज है, मैं तो कहता हूं 36 कौम आज विवेकशील है, विवेक के आधार पर फैसला लेता है, कोई एक व्यक्ति की जेबी संस्था नहीं है। आपसे लेकिन ये भी तो पूरी पार्टी ने ही फैसला लिया है, किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी ना लिया है, मदन जी किसी एक व्यक्ति ने लिया, गजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं इस पर। श्वेता जी मैं बात कहना चाहता हूं, नहीं जैसे मुलायम सिंह की अपनी एक पार्टी है, मायावती की अपनी एक पार्टी है, शरद यादव की अपनी एक पार्टी है, शरद पवार की अपनी एक पार्टी है, मैं ये कहना चाहता हूं जसवंत सिंह जी उनका परिवार, ये ममता बनर्जी की अपनी एक पार्टी है, राजस्थान में रही है ना, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ये जो नेता नेता बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैंने इनको मानवेंद्र जी के फादर के पैरों में पड़ते हुए देखा है, भैरव सिंह जी के पैरों में पड़ते हुए देखा। चलिए ठीक है गजेंद्र जी आपने अपनी बात बोल दी, पैरों में पड़े रहते थे। चलिए ठीक है अजीत जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मानवेंद्र सिंह जो कि लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ थे, अब कहना ये कि सम्मान नहीं मिल रहा है, इसके बाद कल बीजेपी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए तो कहीं ये निर्णय मानवेंद्र का नहीं है कांग्रेस के साथ जाने का? श्वेता जी हाँ,
पिछले 5 साल से जो अपमान का घूंट पी के सो रहा था, जिसके पिताजी ने जिस पार्टी को बनाया उस पार्टी के ये तथाकथित नुमाइंदों ने उसके साथ जो अपमान किया, खाट में पटक दिया, आज वो खड़ा होकर कह रहा है कि मैं इस इन इन अत्याचारियों के साथ नहीं रहूंगा, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। जब इनके साथ थे, इनके साथ थे तो वो गुगा जी थे, जब इनके साथ नहीं रहे तो बोले ये बेकार हो गए। सुरेंद्र जी, यानी पिछले 5 साल से ये जहर है एक तरह से जो घूंट है वो पी रहे थे, जिस तरह से अजीत जी का कहना है सम्मान नहीं मिल रही, बार बार बात कही जा रही है, जसवंत सिंह जी के साथ जो हुआ, जो टिकट नहीं दिया गया, ये सब बातें हैं जो आखिरकार मानवेंद्र ने ये फैसला लिया कांग्रेस के साथ जाने का। जब मानवेंद्र सिंह जी चुनाव को देखते हुए कुछ ये निर्णय लिया, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता हूँ, केवल मात्र चुनाव को देखते हुए और चुनाव के लास्ट में, आप जब 2013 के अंदर आप विधानसभा में चुने गए, उसके बाद में 2014 के अंदर जसवंत सिंह जी ने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा और आप उनके साथ थे, लेकिन उसके बाद में आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहे। अगर ऐसा आपको लग रहा था, जैसे आप अजीत सिंह जी बता रहे हैं कि उनको घुटन महसूस हो रही थी या उनको अपमान महसूस हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन पहले भी छोड़ सकते थे, लेकिन केवल मात्र ये चुनावी स्टंट है और चुनावी स्टंट को देखते हुए अब जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, उसके बाद में आप जाते हैं कि साहब मैं कांग्रेस का दिल्ली में जाकर कांग्रेस का सदस्यता ले रहा हूं, जबकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम बाहर वालों को अंदर आने नहीं देंगे, बाहर वालों को हम किसी प्रकार से टिकट नहीं देंगे, उसके बाद में कांग्रेस कौन सा मान सम्मान मानवेंद्र सिंह जी को देगी, ये तो कांग्रेस ही बताएगी। बाकी मानवेंद्र सिंह जी का और जसवंत सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी में सम्मान था, सम्मान है, अब वो किस कारण से छोड़ते गए उनका व्यक्तिगत राय, क्योंकि आप रणकपुर में मदन जी मानवेंद्र सिंह के सामने मानवजीत सिंह को लाया गया ऐसा कहा जा रहा है, आज ही बीजेपी का दामन थामा है उन्होंने। देखिए अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति या एक स्थान पर एक ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पूरा सर्वे होता है, कई दृष्टिकोण से सर्वे होने के बाद जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन किए उन्होंने, बीजेपी साथ आई है, बीजेपी के साथ आए हैं वो, अगर ऐसे ही है तो ऐसे कांग्रेस भी ले रही, मानवेंद्र उनके साथ चले गए, निश्चित रूप से स्वागत है, हमारे यहाँ जो आएगा वो संस्कारवान होकर के आएगा, हमारे यहाँ संस्कारों से आएगा, चरित्र से आएगा, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ में आएगा, समर्पण की भावना से आएगा, यानी ये जो क्वालिटी आप बता रहे हैं, यानी ये कांग्रेस में जाने वालों में नहीं रहती है, लाभ लेने की दृष्टि से आए तो लाभ मिलने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, बीजेपी में लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन राजनीति तो बीजेपी में के लोग भी करेंगे ना, यहाँ कोई ऐसे ही तो नहीं आता बेवजह, कोई भी राजनीति में नहीं आता है, अगर किसी पार्टी का दामन थामता तो भी बेवजह नहीं होता। जीत सेवक है इनका, इतिहास गवाह है, इन्होंने किस तरह से लाभ लेने के लिए पास आते हैं, तो आप लोग तो गंगा में नदी में डुबकी लगा के उसको शुद्ध करते हो, अरे गंगा भी खराब कर रखी है आप लोगों ने, गंगा भी साफ नहीं की, और मैं आपको बताऊं हमने जसवंत सिंह जी को पूरा सम्मान दिया, 370 का सम्मान दे रहे हैं, तो फिर क्यों बोला जा रहा है कि सम्मान नहीं मिला, आप लोगों ने आज तक मदन जी फिर क्यों बोला जा रहा है सम्मान नहीं मिला, सम्मान दिया पड़ गई कि कांग्रेस का दामन उन्हें थामना पड़ा, मैं आपको बताऊं आपकी पार्टी में जितने लोग उनका अपमान दिया कहीं पर भी अपमानित नहीं किया गया, महसूस कर रहे हैं बेचारे बुजुर्ग आदमी है, आपका संस्कार इनको लगता है, वो इनको उनके दिल की बात इनको पता है, आपने किया उनका अपमान हो गया, लालकृष्ण अडवाणी के साथ क्या व्यवहार कर रखा है आपने, पूर्वी विनोद जी जोशी के साथ, लालकृष्ण अडवाणी हमारा हमारे सम्मान है, हमारे सम्मान है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन राजनीति के लिए सभी आए हुए हैं जी, राजनीति के लिए आज, जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया, फायदा नुकसान वो बात की बात है, लेकिन जो आएगा वो अपना फायदा नुकसान देखेगा, कोई यहाँ पर सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है ये भी नजर आता है, कौन किस पार्टी में जाता है वो क्या करता है ये भी सबके सामने है, लेकिन अब ये कि चुनावी साल है और लोगों को, जनता को ही चुनना है किसके साथ जाती है। बहरहाल वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग फाइट में जुड़ने के लिए। तो बड़ा और अहम सवाल ये होता है कि बीजेपी बात करें कांग्रेस की बात करें आना जाना लगा रहता है, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने आखिर क्या वजह थी जो कांग्रेस का साथ दिया, हालांकि कहा जा रहा है कि शर्तें, अपनी शर्तों के साथ मानवेंद्र सिंह आए हैं, और यही वजह कि पहले 13 तारीख को वो ज्वाइन करने वाले थे कांग्रेस, जब कुछ बात नहीं बनी तो 17 तारीख कही गई, हालांकि हकीकत क्या है ये अंदरूनी तौर पर जानकारी मिल रही है, लेकिन कल जब वो साथ आएंगे वजह क्या है, और क्या वाकई में राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं कि पैराशूट उम्मीदवारों के लिए जगह नहीं है, यानी वो उम्मीद न करें टिकट को लेकर, तो क्या मानवेंद्र के मामले में भी इसी पर लागू रहेंगे, कायम रहेंगे, या फिर इनके लिए नियम बदले जा सकते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।